राम राम एवरीबॉडी। शुरू करें रिकॉर्डिंग? हाँ चलो आ जाओ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल। अच्छा आप लोग लिखें कुछ नहीं, अभी कंडीशन लिख जाओ तो ठीक है, बाकी अभी अपना पेन और रजिस्टर रख दें और आराम से सुने जो आपको कहा जाए शुरू के 10-15 मिनट, ठीक है? क्योंकि अगर वहां से कुछ मिस किया ना तो फिर ज्यादा दिक्कत रहेगी। तो अपना रजिस्टर पेन वगैरह रख दो, आपसे जब लिखने के लिए कहा जाएगा तब लिखना, अभी केवल वो समझिए जो आपसे बताया जा रहा है। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, इफ ही सिंग्स वेल he will get a prize। अब देखिए ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल कहते हैं। क्यों कहते हैं कंडीशनल, अभी देखो क्लियर हो जाएगा। बच्चे ये सेंटेंस एक है कि दो? एक है, दो क्या है? क्लॉज दो है। हम देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉज है, एक इफ क्लॉज है सबॉर्डिनेट क्लॉज और एक है मेन क्लॉज ही विल गेट अ प्राइज, ठीक है? मेन क्लॉज में हमने लिखा हुआ है ही विल गेट अ प्राइज, उसको एक प्राइज मिलेगा, वो मेन क्लॉज है। लेकिन वो प्राइज इसको ऐसे नहीं मिल जाएगा, उसके लिए हमने कंडीशन भी रख दी है। अगर अच्छा गाएगा तो, इफ ही सिंग्स वेल, अगर अच्छा गाएगा तो उसको वो प्राइज मिलेगा, मतलब ऐसे नहीं मिलेगा। तो चूंकि इस सेंटेंस में कंडीशनल का रेफरेंस है, कंडीशन का रेफरेंस है, तो इसलिए मैंने कंडीशनल कहते हैं। कंडीशनल्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो क्लॉज होती हैं, एक मेन क्लॉज और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज में जो कंजंक्शन यूज किए जाते हैं वो यूजली इफ या अनलेस होते हैं, हालांकि एक दो और भी होते हैं भी आगे समझा देंगे। ये दोनों होते हैं कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। तो जब हमें कंडीशनल बनाने होते हैं तो जनरली हम इन्हीं कंजंक्शन को यूज करते हैं। तो ये सबॉर्डिनेट ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं कंडीशनल, जिनमें एक मेन क्लॉज एक इफ क्लॉज होती है। मेन क्लॉज में कोई रिजल्ट होता है, इफ क्लॉज में कंडीशन, उस इफ क्लॉज में लिखे गए कंडीशन को पूरा करने पर मेन क्लॉज में लिखा गया रिजल्ट मिल जाता है। अगर तुम्हें अब तक ध्यान रहा हो तो हमने टेंस में पढ़ा था कि इफ के साथ लिखा गया एक्शन मेन क्लॉज वाले एक्शन से पहले होता है। ये कंडीशन है, ये काम पहले होगा, जब ये हो जाएगा तब फिर वो भी होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। तो चूंकि यहां पर कंडीशन है इसीलिए हम इनको कंडीशन कहते हैं। कंडीशन होते हैं तीन टाइप के, लिखना नहीं है मैं फिर से आपको बताऊं, केवल समझेगा। इफ ही सैंग वेल ही वुड गेट अ प्राइज, एक ये हो गए, इस टाइप के भी होते हैं। इसमें भी वही है, ये हमारी इफ क्लॉज हो गई और ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। एक थर्ड और टाइप होता है कंडीशनल्स का, इफ ही हैड संग वेल ही वुड हैव गॉट अ प्राइज। इसमें भी वही है, एक हमारे पास इफ क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशंस इन इंग्लिश, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हमें ये समझना है कि तीन टाइप के तो आपने बना दिए कंडीशन, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? भाई अगर तीन टाइप आप कह रहे हो अलग अलग है तो इनमें कोई तो डिफरेंस होगा। डिफरेंसेस लैंग्वेज में दो ही टाइप के होते हैं। लैंग्वेज में कोई भी डिफरेंस होगा या तो मीनिंग का डिफरेंस होगा, नहीं तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा। या तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया होगा या फिर आपने मीनिंग चेंज कर दिया होगा। यही डिफरेंसेस होते हैं लैंग्वेज में, और तो कोई डिफरेंस होता नहीं है कि कलर चेंज हो जाएगा या साइज चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या तो मीनिंग या फिर स्ट्रक्चर, यहाँ पे दोनों ही टाइप के डिफरेंसेस हैं। ये जो तीन सेंटेंस हमने लिखे हैं ना, ये जो तीन हमने कंडीशन लिखे हैं, इन तीनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि मीनिंग में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मेन क्लॉज फ्यूचर में है, सबॉर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में है। तो इसका मतलब ये जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं ये फ्यूचर के एक्शन है। जैसा कि हमने टेंस में पढ़ा था कि जब हम दो फ्यूचर को एक्शन को रेफर करते हैं तो मेन क्लॉज को फ्यूचर में और सबॉर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, ये वही है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, जो पहले वाला कंडीशनल है, ये फ्यूचर की सिचुएशन है जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, और हमारे हिसाब से ये ओपन कंडीशनल है। वी कॉल इट ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन ये कहते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से प्रोबेबल होगा। लेकिन फिर हमने पढ़ा था टेंस में कि जब हम इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देते हैं तो वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है, और इसका मतलब होता है बट इट डजंट। इसका मतलब होता है ही में, ये पढ़ा था पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। तो अगर मैं लिख रहा हूं इफ ही सैंग वेल,
तो इसका मतलब मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होगा। अगर मैं लिख रहा हूं इफ सिंग्स वेल, तो इसका मतलब मैं मानता हूं ऐसा होगा। ये ओपन कंडीशन है, प्रोबेबल है या इम्प्रोबेबल है, ये वही पास्ट सब्जेक्टिव मूड वाला यूज है जो कि हमने टेंस में पढ़ा था। ये ओपन कंडीशन है, ये है सेमी क्लोज। अब ये दोनों ही कंडीशन प्रेजेंट के हैं, ही मे बट इट डजंट। डिफरेंस दोनों में बस ये है कि जो ओपन कंडीशन हमने लिखा है एक ऐसी सिचुएशन है जो कि प्रोबेबल है। प्रोबेबल से मतलब जिसके होने की संभावना है और हमें लगता है ये होगा। सेमी क्लोज जो है एक ऐसा कंडीशन है जो हमारे हिसाब से इम्प्रोबेबल है और हमें नहीं लगता होगा। दोनों प्रेजेंट के। अब समझिए, मान लीजिए कोई पर्सन है, बढ़िया गाता है, वो किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमने कहा कि अगर भाई ये वहां भी बढ़िया गाएगा तो इसको प्राइज मिलेगा। हमें लगता है वो बढ़िया वहां भी गा लेगा जब गाता है, तो हमने ओपन कंडीशन बना दिया। लेकिन मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है वो बड़ा बेसुरा गाता है, ठीक है, बहुत बेसुरा, उसको अगर ये अच्छा गाए तो ये भी प्राइज जीत ले। लेकिन हमें पता है कि ऐसा होगा तो है नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो ठीक नहीं है। तो अगर हमें पता ये काम नहीं होगा, ये जो हम बात मोड लिखेंगे इसके साथ, अगर हमें लगता है रियल हो सकता है तो हम उसके साथ टेंस लिख देंगे। तो ये दोनों सिचुएशन है, इनमें पास्ट कोई नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वो झूठ हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, ये टेंस। तो ये दोनों प्रेजेंट की सिचुएशन है। ये ओपन इसलिए कही जा रही है क्योंकि हमारे हिसाब से प्रोबेबल एक्शन है और होगा। इसको हम सेमी क्लोज कह रहे हैं या इम्प्रोबेबल एक्शन कह रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं होगा। अब हमने इफ के साथ यहां पे लिखा हेड संग, थर्ड टाइप के कंडीशन में हमने पढ़ा कि जब हम इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिख देते हैं तो वो इमेजिनेशन कौन से टाइम का हो जाता है, पास्ट का। अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा, बट इट डिडंट। इफ ही हैड संग वेल, परफेक्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये काम जो हम बात कर रहे हैं वो हो चुका होगा। एक ऐसे इमेजिनेशन की बात हो रही है जो कि हो चुका होगा, ठीक है ना, कंप्लीट इमेजिनेशन की बात हो रही है। इफ ही हैड संग वेल, अगर उसने बढ़िया गाया होता, ही वुड हैव गॉट अ प्राइज, तो उसको प्राइज मिला होता। मतलब ये निकला कि ना उसने बढ़िया गाया और ना उसको प्राइज मिला, ये दोनों काम हो गए। तो इस टाइप के कंडीशन जो थर्ड टाइप के कंडीशन है, इन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड कंडीशन जो होते हैं ये उन सिचुएशंस को रेफर करते हैं जो कि पास्ट के हैं और जो निकल चुके हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, ओपन, सेमी क्लोज एंड क्लोज। ओपन कंडीशनल प्रेजेंट के ऐसे सिचुएशंस जो या तो रियल हैं या जिनके रियल होने के चांसेस हैं। क्लोज्ड ऐसी सिचुएशन जो ना रियल है, मतलब जो पास्ट की है और अनरियल है, इमेजिनेशन है पास्ट का। सेमी क्लोज जो होती है एक इम्प्रोबेबल सिचुएशन होती है प्रेजेंट को। प्रेजेंट में जब हम इमेजिन करते हैं, कभी कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, तब हमें वहां पे इसे यूज करना पड़ता है। इसको सेमी क्लोज कह रहे हैं। सेमी का मतलब कोई बच्चा बताएगा, हाफ होता है, सेमी मतलब हाफ। तो हम इसको क्लोज क्यों कह रहे हैं, ओपन क्यों नहीं कह पा रहे, क्लोज क्यों नहीं कह पा रहे? ओपन इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि होगा नहीं, इमेजिनेशन है। क्लोज इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि अभी हुआ भी नहीं, या तो हो गया होता, पास्ट का हो गया होता तो हम क्लोज कह देते, या हमें लगता कि हो जाएगा तो हम ओपन कह देते, ना वो होगा ना वो हो पाया है तो अभी वो किस में, ठीक है, तो हम इसको सेमी क्लोज कह देते हैं। तो ये तीन टाइप के कंडीशन होते हैं, ओपन, सेमी क्लोज और क्लोज। अब इसमें देखो हमें फर्दर क्या समझना है, ये तो थी मीनिंग की बात, मीनिंग के हिसाब से हमने ओपन, सेमी क्लोज और क्लोज समझ लिया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमें यह देखना है कि जब हम ओपन कंडीशन बनाते हैं, तो जैसा कि हमने टेंस में पढ़ा था कि हम मेन क्लोज को फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर टेंस में यूजली इंडेफिनिट होता है, लेकिन दूसरे टेंसेस में लिखे जा सकते हैं, और मेन क्लॉज को प्रेजेंट, इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो जब हम ओपन कंडीशंस बताते हैं या जब हम फ्यूचर के उन एक्शंस को रेफर करते हैं जो हमारे हिसाब से प्रोबेबल हैं और रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए हम मेन क्लॉज को फ्यूचर में और अपनी सबॉर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ये वही वाला यूज है जो हमने टेंस में सीखा था। लेकिन अगर मान लो हम किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो जो हमारे हिसाब से इमेजिनरी है, जो ना रियल है ना रियल होगी, तो हमें सेमी क्लॉज यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। पास्ट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड बनाएंगे तो इफ के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ये होती है पास्ट सब्जेक्टिव मूड, लेकिन मैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख देता हूं, आप समझ जाने की टेंस नहीं है, मूड है, ठीक है। जब ये एक्शन इमेजिनरी हो गया, जब ये काम नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं हो पाएगा, तो जब ये भी नहीं हो पाएगा तो हम इसके लिए विल सेल नहीं लिख पाएंगे, हम इसके लिए वुड लिख देंगे। वुड हो गया वो इमेजिनेशन प्रेजेंट का। फिर जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करने लग जाएंगे जो कि पास्ट में हो चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, और जहां पे अंडरस्टूड मीनिंग है बट इट डिड नॉट, तो हम वहां पे क्या करेंगे, पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो हालांकि होता पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, लेकिन समझने के लिए मैं इसे पास्ट परफेक्ट लिख देता हूं।
इफ क्लॉज में हमने पास्ट परफेक्ट लिख दिया। हाँ एक मिनट, जब हम यहां पे पास्ट परफेक्ट लिख देंगे ये काम हो चुका है, तो ये भी हो चुका होगा, ये भी हो चुका होगा, तो इसको भी परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मॉडल्स के साथ परफेक्ट फॉर्म बनाने के लिए है प्लस थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, वुड है प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब बताओ बच्चे क्या कर रहे हैं, टाइम से आए, तुम्हें नहीं पता कितने बजे की क्लास है, कौन सी कंपनी का बैग है तेरा, नाम मत चिल्लाया करो, कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। फिर से देखिए समझिए, मैं भी टोटल फिर से समझाऊंगा, ये जो अभी बताया वो देखो समझ लो। जब हम ओपन कंडीशन बनाते हैं तो वो फ्यूचर की प्रोबेबल सिचुएशंस होती हैं, उनके लिए हम मेन क्लॉज को फ्यूचर में और इफ क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, ये वही यूज है जो हमने टेंस में सीखा। लेकिन जब हम किसी ऐसी सिचुएशन की बात करें जो इम्प्रोबेबल हो, जो ना रियल हो ना रियल होने के उसके चांसेस हो और इमेजिनरी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इफ क्लॉज में वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखते हैं जो होती है पास्ट सब्जेक्टिव मोड। जब ये एक्शन नहीं होगा, ये इमेजिनरी हो गया, तो फिर ये भी इमेजिनरी हो गया, क्योंकि ये तो रिजल्ट था, जब कंडीशन ही नहीं बनेगी तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो फिर हम यहाँ पे विल शैल ना लिख के वुड लिख देते हैं, जो वुड होता है वो प्रेजेंट के इमेजिनेशन के लिए यूज हो जाता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम किसी ऐसी सिचुएशन की बात करें जो पास्ट का इमेजिनेशन हो और जो पास्ट में हो चुका हो, तो चूंकि वो काम हो चुका है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट सब्जेक्टिव मोड को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जब हम यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, जो कि एक्चुअल में है पास्ट सब्जेक्टिव मोड, लेकिन समझने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिख दिया उसे, तो चूंकि ये काम हो चुका है पास्ट का है, तो वो भी हो चुका होगा, जब वो भी हो चुका है तो उसको भी कंप्लीट फॉर्म में शो करना पड़ेगा। अब मॉडल्स के साथ में जब हमें कंप्लीशन शो करना होता है तब है प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये तीन स्ट्रक्चर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि यही है, इसके आगे भी पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए हमने कहा इफ ही सिंग्स वेल ही विल गेट अ प्राइज, तो वो प्राइज जीत जाएगा। प्राइज जीत जाएगा का मतलब हमने भविष्यवाणी कर दी, हमने प्रेडिक्शन कर दिया ऐसा होगा। लेकिन मान लो अगर मैं प्रेडिक्शन ना करूं, मैं कहूं उसके भी चांस है कि वो भी जीत सकता है, बढ़िया गाया तो इसके भी चांस है। मैं अगर मैं कहूं ये बढ़िया गाया तो इसमें एबिलिटी है कि प्राइज जीत ले, कैन, मैं अपनी जरूरत के हिसाब से वहां पे मे या कैन भी लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा विल शैल ही लिखे जाएंगे, लेकिन वो मे या कैन तभी लिखे जा सकते हैं जब ये ओपन कंडीशन हो और इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। अगर ये सेमी क्लोज हुआ और इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म रही, तो जैसे यहां पे वुड लिखा वैसे यहां पे माइट या कुड लिखना पड़ जाएगा। उसी तरीके से अगर ये क्लोज कंडीशन हुआ, तो जैसे यहां पे वुड हैव गॉट लिखा है ना, वैसे यहां पे माइट हैव गॉट या कुड हैव गॉट लिखना पड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ये स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। हालांकि इनके अलावा एक पॉसिबिलिटी और भी, देखो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। अब हम देख रहे हैं कि ये भी कंडीशनल है, लेकिन इस कंडीशन में जो हमारी इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट में, मेन क्लॉज है वो भी प्रेजेंट में, तो हमें लगता है बात समझ में आई होगी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फैक्ट है। हमने पढ़ा था टेंस में कि जो हम विल शैल लिखते हैं वो हम किस लिए लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए। भाई प्रेडिक्शन होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है। मैंने कहा कि अगर बढ़िया गाएगा तो उसको प्राइज मिलेगा, मान लो उसने बेचारे ने वहां जाके बढ़िया गाया, लेकिन किसी दूसरे ने उससे ज्यादा बढ़िया गा दिया तो उसको मिल गया, रह गया वो नहीं मिला। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमने पानी गर्म किया तो वो पानी, तुमने आइस को गर्म किया तो वाटर नहीं बनी, मैंने किया तो हो गया, वो तो कोई भी करेगा तो हो जाएगा, वो फैक्ट है। तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो प्रेडिक्शन नहीं, वो एक फैक्ट है। तो कई बार हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को बात कर रहे होते हैं जो होती तो है कंडीशनल केस स्ट्रक्चर पे, लेकिन वो होते फैक्ट रूल या लॉ है। तो ऐसी सिचुएशन जो फैक्ट्स हो, रूल हो या लॉ, उनके लिए हमें ये तरीका यूज करना पड़ता है। हालांकि ये फोर्थ टाइप नहीं है, ये ओपन कंडीशनल का ही एक सब टाइप है। कंडीशनल तीन ही होते हैं, ओपन से, ये ओपन कंडीशनल का एक सब टाइप है, ठीक है। इतने टाइप के कंडीशनल होते हैं, आप इन्हें जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिख लो, फिर जो डाउट्स आउट रहेंगे मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, तब चैप्टर शुरू करेंगे। अभी जैसे लिखना चाहते हो अब लिख लो। कहां का बताया, कहां का, टेंस के लिए बताया था, मूड के लिए बताया था, तो फिर टेंस थोड़ी है, तो मूड है। बात सुनो,
तुम्हारा कंफ्यूजन बच्चे पता क्या हो गया, तुम्हें बात इस समय वो याद आ रही है जो टेंस के लिए सिखाई गई थी कि पास्ट परफेक्ट टेंस तब यूज करते हैं जब हम कोई रिलेटिव कंप्लीशन शो करना चाहें। ये ना, ये टेंस नहीं है, मूड है भाई, पहले बता दिया यार। टेंस में मूड में डिफरेंस होता है, समझो तो सही। मूड इंटेंशन एक्सप्रेस करने के लिए होता है, टेंस टाइम रेफर करने के लिए होता है। वो पास्ट परफेक्ट इसलिए लिखते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हेड के थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाकी वो है पास्ट सब्जेक्ट मूड। टेक्निकल पढ़ा के गलत तो नहीं कर देता कहीं मैं, सही बताना? हाँ नहीं, पता क्या होता है, एक बार समझ में आने लगता है ना तो काम बड़ा गजब होता है, और नहीं समझ में आएगा तो चला गया जाएगा। जितने थे उससे तो काबिल ही बन के यहां से जाओगे, उससे गधा तो बन के नहीं जाओगे। चलो भाई लिख लिया तो समझाना शुरू करें। आगे से मैं भी कई मार्कर लेकर आऊंगा, एक ब्लू, एक रेड और एक ब्लैक। मैं सही बताऊं, मेरा राइटिंग वाइटिंग इतना सीन खराब है, मैं अपने पेपर देता था, मैं एक ही पेन लेकर जाता था ब्लू। कोई जगह अपना हेडिंग के लिए ब्लैक लेकर आया, मैं वही ब्लू से हेडिंग डाल देता था। हाईलाइट करने के लिए कोई हाईलाइटर ले आया, कोई मार्कर ले आया, वो मैंने क्या किया अपना, उसको सीधा ऐसे पी लिखा, फिर उसको बोल्ड शो करना, तो मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लिया, हो गया। नंबर आते थे ज्यादा सबसे, ठीक है। लेकिन यार राइटिंग वाइटिंग होती तो बहुत अच्छे आते हैं, चलो क्या दिक्कत। खैर चलो, मुझे लगता है सारे बच्चे लिख चुके, कोई लिख रहा है क्या अभी? नहीं, चलो बढ़िया, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे समझ लो, कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक मेन क्लॉज और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। कंडीशंस के लिए जो हम सबॉर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं वो यूजली इफ या अनलेस होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है उसमें या तो इफ कंजंक्शन लिखा होता है या अनलेस लिखा होता है। तो जो मेन क्लॉज होती है और जो दूसरी सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है, सबॉर्डिनेट क्लॉज में यूजली हम कंजंक्शन इफ अनलेस यूज करते हैं, तो हम उसको इफ क्लॉज कह देंगे। ये इफ क्लॉज हो गई, ये मेन क्लॉज हो गई। जैसा कि हम पहले टेंस में भी पढ़ चुके हैं कि इफ एक्शन मेन क्लॉज वाले एक्शन से पहले होता है हमेशा, तो इफ क्लॉज में जो हम एक्शन लिखते हैं वो एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के पूरा होने पर मेन क्लॉज में लिखा गया एक्शन जो होता है वो रिजल्ट बन जाता है। तो मेन क्लॉज का एक्शन रिजल्ट होता है, इफ क्लॉज का कंडीशन होता है, ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे कंडीशन का रेफरेंस होता है, इसलिए हम इन कंजंक्शंस को, इन सेंटेंस को कंडीशनल कहते हैं। कंडीशन क्यों हो गए? अपन, सेमी क्लॉज, क्लॉज। अपन कंडीशन प्रेजेंट की वो सिचुएशंस हैं जो या तो रियल हैं या जिनके रियल होने के चांसेस हैं। सेमी क्लोज प्रेजेंट की वो सिचुएशंस हैं जो ना रियल हैं और ना ही जिनके रियल होने के वो चांसेस हैं। तो अपन कंडीशन हो गया प्रोबेबल सिचुएशंस के लिए, सेमी क्लोज हो गया आपके इम्प्रोबेबल सिचुएशंस के लिए। थर्ड टाइप का एक कंडीशन और भी होता है, क्लोज। क्लोज कंडीशन होता है उन सिचुएशंस के लिए जो पास्ट की इम्प्रोबेबिलिटीज हैं। अब जैसा कि हमने टेंस में पढ़ा था कि जब हम फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को रेफर करना चाहते हैं तो ऐसे एक्शन को रेफर करना चाहते हैं जो दोनों फ्यूचर में होंगे, तो हम मेन क्लोज को फ्यूचर में और अपनी सबॉर्डिनेट क्लोज को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, वही हमने यहाँ पे कर रखा है। लेकिन जब हम किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जो इमेजिनरी हो, इम्प्रोबेबल हो, तो हम वहां पे वर्ब की सब्जेक्टिव मूड फॉर्म यूज करते हैं। जब हम सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं तो हमें प्रेजेंट टेंस में इमेजिनेशन शो करने के लिए सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ती है, जो कि ये लिखी हुई है। अब चूंकि ये जो कंडीशन थी ये खुद ही इमेजिनेशन हो गई, तो जब ये इमेजिनेशन हो गई तो उसका रिजल्ट भी इमेजिनेशन हो गया, तो हम विल सेल ना लिखे वहां पर वुड लिख देते हैं। फिलहाल में ओपन और सेमी क्लोज दोनों कंडीशन होते प्रेजेंट के ही हैं। ये प्रेजेंट की प्रोबेबल सिचुएशन है, यहाँ पे अंडरस्टैंड मीनिंग होता ही है। ये प्रेजेंट की इमेजिनरी सिचुएशन है, यहाँ पे अंडरस्टैंड मीनिंग होता ही है। उसके बाद में जब हम पास्ट की किसी इमेजिनेशन को शो करना चाहते हैं तो जैसा कि हमने टेंस में पढ़ा था, हमें वहां पर हेडलेस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, जो कि पास्ट का इमेजिनेशन होती है, और जब हम उसको लिखते हैं तो अंडरस्टैंड मीनिंग हो जाता ही है। क्योंकि वो काम हो चुका है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी आ चुका होगा, तो जब रिजल्ट भी आ चुका है तो उसको भी कंप्लीट फॉर्म में शो करना पड़ेगा। मॉडल्स को कंप्लीट फॉर्म में शो करने के लिए उनके साथ हेडलेस थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो ये हमारे कंडीशंस हो गए। फिर हमने देखा कि जो हम विल यूज करते हैं या फ्यूचर यूज करते हैं वो एक तरीके से हमारा प्रेडिक्शन या प्रोबेबिलिटी होती है, हमने प्रेडिक्ट कर दिया कि ऐसा होगा। लेकिन अगर हम केवल उसकी संभावना एक्सप्रेस करना चाहें, पॉसिबिलिटी ही एक्सप्रेस करना चाहें, प्रेडिक्शन ना करें, तो हम मे या कैन भी यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। मे या कैन तभी यूज किया जा सकता है जब कंडीशन ओपन हो। अगर कंडीशन सेमी क्लोज है तो यहाँ पे कुड और यहाँ पे माइट, या पास्ट है तो भी कुड या माइट ही लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद कई बार हम कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअल में कोई फैक्ट होती है, रूल होती है, लॉ होती है, यूनिवर्सल होती है, ठीक है। उन सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, अपनी मेन क्लॉज को और इफ क्लॉज को दोनों को ही प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी होते नहीं, इसलिए उसके लिए विल से लिखते भी नहीं है। ये जो फोर्थ टाइप के सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल्स के, ये कोई फोर्थ टाइप के कंडीशन नहीं है, ये सेमी क्लोज मतलब ओपन कंडीशन का ही एक सब टाइप होता है। ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और सिचुएशन से समझ लेते हैं। जब बोल रहा था उस समय दिमाग चलाया करो, तो बाद में पूछना नहीं पड़ेगा। एक प्रेजेंट की ऐसी सिचुएशन जो कि रियल है,
ठीक है, या रियल हो सकती है, हमने उसको कह दिया ओपन। जैसे कि मुझे ताजमहल देखना है, तो मैंने कहा कि अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देख लूंगा। इट इज समथिंग दैट कैन टर्न इनटू रियलिटी। ये कैसा स्टेटमेंट है जो कि रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। आप दिल्ली से आगरा जाओगे 230-235 किलोमीटर है अपने, चले जाओ, गतिमान एक्सप्रेस हो जाती है उससे चले जाओ, दुनिया भर की ट्रेन कानपुर वाली सारी उधर से हमें लगता जाती है उनसे चले जाओ, अपनी गाड़ी से चले जाओ, ओला उबर कर लो तो चले जाओ। तो एक ऐसी सिचुएशन है दैट कैन टर्न इनटू रियलिटी, ओपन कंडीशन। लेकिन मैंने कहा नहीं, ताजमहल देखने के लिए मैं आगरा तो नहीं जाऊंगा, मैं तो अगर ताजमहल दिल्ली में रहे तो देखूं, ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। तो ये सेमी क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमें पता है ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम लिख देंगे इफ द ताज वर इन दिल्ली, इफ द ताज वर इन दिल्ली, अगर ताजमहल दिल्ली में हो तो मैं रोज देखूं। अब हमें पता है ना वो है ना वो कभी होगा, तो ये सेमी क्लोज हो गया, ये हो सकता था ये ओपन हो गया। फिर उसके बाद में थर्ड सिचुएशन ऐसी हो सकती है क्लोज कंडीशन, मैं अगर कहूं कि अगर मैंने ताजमहल बनवाया होता, ठीक है, तो मैं अपना यही सेक्टर 21 रोहिणी में बनवा लेता, मैं वहां बनवाता ही नहीं आगरा में, वहीं सुबह उठता देखा था जाके, शाम को जाता काम से फिर जाके देख लेता एक बार, ठीक है। तो मैं कहूं अगर मैं बनवाता ताजमहल को तो मैं यही बनवा लेता, वहां क्यों बनवाता। लेकिन अब मैं एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं जो कि हो चुके, उसका रिजल्ट आ चुका है, ताजमहल बन चुका है और आगरा में भी बन चुका है। तो मैं लिख दूंगा इफ आई हैड गॉट इट बिल्ट, इफ आई हैड गॉट इट बिल्ट, अगर मैंने बनवाया होता ताजमहल तो मैं आगरा में तो नहीं बनवाता। और दूसरा, अगर यूपी में बनवाता ना तो मैं सफेद पत्थर का तो नहीं बनवाता, मैं लाल पत्थर का बनवाता। यूपी वाला पुड़िया खाएगा ठीक है, अब वहां जाएगा, ठीक है, तो लाल पत्थर का बनाता, जैसे ताजमहल ये लाल किला बना हुआ है, पता ही नहीं चलता कि पुड़िया की पेंट है क्या है। चलो खैर, अब वो बन गया जैसा भी बनना था, लाल बनना था, पीला बनना था, जहां बनना था वहीं बन गया। तो भाई एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हो चुकी है, निकल चुकी है, अब आप उसको अल्टर नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट आ गया, जहां बनना था वहां बन गया, जिस पत्थर का बनना था उस पत्थर का बन गया, जिसे बनाना था उसने बना दिया, तो काम तो सारे ही हो गए। अब आप ऐसी सिचुएशंस की बात करो जो कि एक्चुअल में हो चुके हैं, तो ये आ गया क्लोज कंडीशन। तो तीन टाइप के कंडीशन होते हैं, एक उन सिचुएशंस को लेकर जो कि रियल हो सकते हैं अभी नहीं है, एक ऐसी सिचुएशन जो ना रियल है ना कभी होंगी, और एक ऐसी सिचुएशन जिनके होने का टाइम ही निकल गया और रिजल्ट आ चुका, अब आप उन्हें अल्टर नहीं कर सकते। तो हम ये देखते हैं कि वो सिचुएशन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सी स्टेट की है, इस तरीके की है, इस तरीके की है, इस तरीके की है, पास्ट की है तो क्लोज, प्रेजेंट का इमेजिनेशन है तो सेमी क्लोज, प्रोबेबल सिचुएशन है, पॉसिबल सिचुएशन है तो ओपन। अब अगर किसी को पूछना है तो पूछो। यहां पे वही बच्चे परेशान होते हैं जो साथ में पैरेलल अपना दिमाग चलाते हैं। आप शांत होकर सरेंडर करके बैठा करो, फीस दे ही दी है, पैसे जमा कर ही दिए, ओवर एक्टिंग करने से कोई फायदा निकलना है नहीं। तो ये जो समझा रहे होते हैं आप समझोगे तो मैं कोशिश खुद करता हूं कि वो सारी चीजें आपको बता दूं जो तुम्हारे दिमाग में आ सकती हैं, या जो नहीं आ सकती वो भी बता दूं। क्लियर हो गया? अब देखो इन पे इसी पे बेस्ड कैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो देखते हैं। बातें नहीं हालांकि इसमें अभी भी मैं काफी कुछ नई बातें सीखने को हैं। वो सीखते रहेंगे और साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे। बेटा क्या नाम? हाँ गुलाब। बढ़िया बढ़िया, बताओ गुलाब ये बताओ सेंटेंस सही है गलत? एक गाना भी तो कोई बॉलीवुड में ऐसा पता नहीं, गुलाब ही थोड़ी, इसका नाम गुलाब। इंजे कम मत समझा, तेरा भी नाम ऐसे ही हो सकता है फिर कभी अगले जन्म में, तेरे ही नाम ऐसा हो गया फिर क्या करेगा? हाँ हाँ समझ भाई, उस पर सही नाम बताओ गुलाब, ये बताओ ये सेंटेंस सही है गलत? थप्पड़ खाएगा तू बहुत तेज, समझा? कैसे सही? एक चीज बता, ये कंडीशन है कि नहीं है ना? मैंने पूछा कंडीशन है कि नहीं है? है भाई, देखो इफ एंड एल्स दिखाई पड़ेंगे तो ये तो जान ही जाओगे कंडीशन है,
सबसे पहला काम जो करना है वो ये पता करना है कि विच टाइप कंडीशनल है, तो कौन सा टाइप, ओपन सेमी क्लोज या क्लोज, गुलाब बाकी चुप रहेंगे सारे, गुलाब ये कंडीशनल कौन से टाइप का है, ओपन सेमी क्लोज या क्लोज, सेमी क्लोज कैसे पता है सेमी क्लोज है, अनिश्चित है। अब इसका मैं बताओ क्या करूं, जो मैंने सिखाया उसे इसे यूज करना नहीं है, जो मैंने बताया वो इसे मानना नहीं है, ठीक है ना, इसके अपने दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है वो उसी कूड़े से अपना सीखेगा इंग्लिश, अब क्या कर सकता हूं मैं, कैसे पता लगा निश्चित है, तुम जंगली हो नंबर एक के, हटो पड़ोसी को जगाओ, गुलाब के पड़ोसी बेटा ये कंडीशन कौन से टाइप का है, मूर्खों क्या पिछले जन्म में मेरा कोई कर्ज था तुम्हारे ऊपर जो तुम आगे चुका रहे हो जन्म में, हैं कुछ सीख रहे हो कि ऐसे पैसे फ्री में यहां पे फेंक के मेरे पास जा रहे हो, चलो अपने पड़ोसी में जाओ, बेटा कौन सा टाइप कंडीशनल, सेमी क्लोज कैसे पता लगा सेमी क्लोज, हेड 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 कौन सा टेंस है, जैसे हमने लिखा ये कौन सा टेंस है, यहां पे सबॉर्डिनेट क्लॉज में हमने कौन सा टेंस यूज किया बताओ, ये जो हमने लिखा है इफ यू हैड मोर मनी ये कौन सा टेंस है, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट कैसे बदला पास्ट इंडेफिनिट, इन मूर्खों को समझाओ तुम्हारे पड़ोस में बैठे हैं उल्लू, यहां पे देखो पता है हमारे साथ क्या है भाई, अगर टेंस नहीं पहचान पाओगे तो आगे चीजें बहुत क्लेश करेंगी, मैं फिर से समझा रहा हूं, अभी टेंस हमारा हाल ही में खत्म हुआ उसको अपना रिवाइज करो अगर कोई दिक्कत हो रही है तो, ये हैड जो हमने लिखा ये वर्ब है और सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है इसका मतलब ये हमारा सेमी क्लोज है, अब सेमी क्लोज अगर हम कंडीशन बनाएंगे तो इफ के साथ तो चलो हमने सेकंड फॉर्म लिख दी, मेन क्लोज में क्या लिखोगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, फिर से मैं बता दूं मीनिंग और ट्रांसलेशन छोड़ दो, जो सिखा रहा हूं उसे सीख लो उसको यूज करो, इफ ही हैड मोर मनी ही वुड बाय दिस कार, इसका मतलब पता क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रेजेंट में सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं जो कि अनरियल है, कोई आदमी कार खरीदने गया ठीक है और वहां पे जाके उसने मारुति का 800 ले लिया, अब तो बंद हो गए ना वो, ऑल्टो ले ली मान लो उसने, और वहीं पे पास में खड़े देख रहा है कि यार ये वो खड़ी दूसरी वाली वो क्या नाम बढ़िया वाली बलेनो है क्या है, बलेनो खड़ी वहीं पे, अब वो सोच रहा है कि मेरे पास और पैसा होता तो मैं इसको खरीद लेता, अब पैसा तो है नहीं बेटा तू ऑल्टो में जा ठीक है, और पैसा होता तो खरीद लेता, तो ये प्रेजेंट की इमेजिनरी सिचुएशन हो गई, If he had more money, understood meaning क्या हो गया? But he doesn't have. लेकिन उसके पास नहीं है, अगर होती तो क्या करता वो खरीद लेता, क्योंकि ना पैसा है ना वो खरीद पाएगा, तो ये इमेजिनेशन हो गया, साबस तुम उल्टे चढ़ोगे पेड़ पे हमें सीधे नहीं चढ़ना, हालांकि ये बात देखो सही है कि जैसे ये बच्चा पूछे कि यहाँ पे हैड लिख दिया तो यहाँ पे हैव बॉट लिखा था तो तुम यहाँ पे हैड एड कर देते, हाँ अगर मान लो हैव बॉट लिखा रहे तो यहाँ पे हैड एड कर दो तो भी सह जाएगा, क्या मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं समझाई कि इंग्लिश में हमेशा राइट मोस्ट करेक्शन किया जाता है, नहीं समझे तो चलो आज समझ, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि सेंटेंस को हम दो तरीके से सही कर सकते हैं, हम यहाँ पे एडेड पास्ट परफेक्ट लिख के भी सही कर सकते हैं, यहाँ पे वुड बाय लिख के भी सही कर सकते हैं, आप क्या करोगे, तो हमें पता कि भैया हम इंग्लिश को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो राइट मोस्ट करेक्शन करोगे, और इंटेंशन तो हमारा यही होता है ना, उधर से तो हम इधर आते नहीं है, उधर से अगर हम इधर आए तो हम इसे सही करते हैं, इधर से उधर जाएंगे तो उसे सही करेंगे, तो वही सही होगा, एक और देखते हैं they might have got late if they forgot to set the alarm, they might have got late if they forgot to set the alarm, ये सेंटेंस भी हमें सही करना, हैव रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा केवल यू माइट गॉट लेट, ये जाएगा ना, कैसे बदला, उल्टा चढ़ रहा है पेड़ पे, यहां पे देखो
मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इफ क्लॉज या मेन क्लॉज देखना, मैं कह रहा हूं कि तुम क्या करना कि लेफ्ट टू राइट अपना ओरिएंटेशन मेंटेन करना। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हम इस तरीके से पढ़ते हैं, तो जो लेफ्ट से हम पढ़ रहे हैं ना वो एक्चुअली हमारे लिए बेसिस है, उसी के बेसिस पर हम आगे जज करते जाएंगे कि हर एक चीज प्रॉपर है, इन ऑर्डर है कि नहीं है। अब अगर हम उल्टा पढ़ते हुए हैं तो हम यहाँ पे सही कर दें, हमें पता है कि हमें जाना उधर ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने मेन क्लॉज में लिखा माइट हैव बट, ठीक है, तो ये परफेक्ट फॉर्म है। परफेक्ट फॉर्म का मतलब जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो हो चुका होगा, हो चुका होगा तो क्लोज कंडीशन हो गया। अब क्लोज कंडीशन बनाओगे तो इफ के साथ में तो हैड प्लस वर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, हैड फॉरगॉटन, तो ये हो गया हैड फॉरगॉटन। दे माइट हैव गॉट लेट इफ दे हैड फॉरगॉटन टू सेट द अलार्म, अगर वो अलार्म लगाना भूल जाते तो फिर वो लेट ही हो जाते, इसका मतलब वो ना भूले और ना वो लेट हुए। फिर एक थर्ड सिचुएशन, You would miss the train if you didn't walk fast. You would miss the train if you didn't walk fast. चलो बेटा, ये सेंटेंस होता सही है, यू वुड मिस द ट्रेन इफ यू डिंट वॉक फास्ट। अब देखो जैसे हम यहां पे कुछ भी कर लें, उधर तो कोई करेक्शन होना नहीं है, ये वुड के साथ में मिस नहीं आना तो नहीं आना, तो अब रट्टा भी नहीं मान लेना कि मैंने कहा कि हमेशा करेक्शन बाद वाला ही करना है। मैंने कहा कि बाद वाला करेक्शन तब करना है जब हमारे पास दो ऑप्शन हो, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे करेक्ट कर लो, यहाँ पे एक करेक्ट कर लो, तो हमने बाद वाला कर दिया, पहला वाला बेसिस हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, उधर क्या करेक्ट करोगे, डिड नॉट के साथ में वॉक आएगी, फर्स्ट फॉर्म सही लिखी हुई है, यहाँ पे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी वो लिखी नहीं है, ये लो करेक्शन। मतलब ऐसा भी नहीं कि याद ही कर लेना कि बाद वाला करेक्शन करना, अपने सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना सीखना है। फिर मैंने एक फोर्थ सेंटेंस लिखा, If he has money, he would help you. अब इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या हम यहां पे हैड भी लिख सकते हैं और यहां पर सेल भी लिख सकते हैं, वुड विल भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हैज लिखा हुआ है तो ये मान लो कि ओपन कंडीशनल है और यहां पे विल लिख दो, he will help you। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन देखना, इफ ही हैज विंग्स ही वुड फ्लाई टू यू, मैंने कहा इफ ही हैज विंग्स ही वुड फ्लाई टू यू। अब जैसे हमने यहां पे देखा इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो यहां पे वुड का विल कर दिया था, क्या कर दें फिर से, नहीं कर देंगे, क्योंकि हमें पता ही ये सिचुएशन तो प्रोबेबल इम्प्रोबेबल दोनों हो सकती है, ये तो हमेशा इम्प्रोबेबल ही, इसको तो हम अपन कंडीशनल या सेमी क्लोज किसी में भी लिख सकते हैं, इसको तो अपन कंडीशनल में लिख नहीं पाओगे, अब वो पहले वाला करेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि रट्टा वट्टा नहीं मार लेना है, अपना ये देखना है कि जिस क्वेश्चन को तुम डील कर रहे हो वो क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में, वो क्वेश्चन कौन सी बात को लेकर लिखा गया है, ये नहीं कि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो आगे वुड लिख देंगे कुड लिख देंगे, अरे देखोगे भी तो सेकंड फॉर्म वाली सिचुएशन है कि नहीं है, ये सिचुएशन हमेशा इमेजिनेशन ही रहनी है। तो इसके लिए हम ओपन कंडीशन नहीं यूज कर पाएंगे, सेमी क्लोज यूज करना पड़ेगा, सेमी क्लोज यूज करोगे तो यहाँ पे हेड लिखना पड़ेगा। ये सिचुएशन ऐसी थी कि हम इसको ओपन सेमी क्लोज जिसमें चाहे लिख दें, दोनों ही चांसेस हैं, तो फिर हमने बाद वाला क्वेश्चन कर दिया, इसमें नहीं कर सकते तो नहीं किया। तो अब देख रहे हैं कि इसमें बाद वाला किया इसमें पहले वाला किया, मजबूरी है। फिर हमने एक सेंटेंस लिखा, Had he been alert, he could escape. Yeah, escape. He could escape the accident. Had he been alert, he could escape the accident.
अब यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे जो हैडी बिन हमने लिखा ना, इसको हम चाहें तो इफ ही हैड बिन लिख दें, वो बात एक ही है। चाहे हैडी बिन लिखो चाहे इफ ही हैड बिन लिखो, वो बात एक ही है दोनों बार में, ठीक है। तो यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं होना, आगे देखो सही है गलत। अगर हम ये लिख रहे हैं इफ ही हैड बिन अलर्ट, तो ध्यान देना ये बिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, इसका मतलब ये हमारा क्लोज कंडीशन है। क्लोज कंडीशन है तो हमें यहाँ पे परफेक्शन शो करना पड़ेगा, कुड हैव, वुड हैव या माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म, कुड हैव एस्केप्ड, ही कुड हैव एस्केप्ड। तो वही तीन स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को टैली करते रहना है कि भाई ओपन कंडीशन बनाओगे तो इफ क्लॉज में क्या होगा, मेन क्लॉज में क्या होगा। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, द एक्सीडेंट वुड बी अवॉइडेड इफ दे हैड अप्लाइड ब्रेक्स प्रॉपरली। अब सपोज मान लो ये क्वेश्चन हमारा सेंटेंस इंप्रूव में आया और अंडरलाइन पार्ट ये, इसको हमें सही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बस इतने को सही करना। ध्यान देना जो मैं आपको समझाता हूं, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आए, क्लोज टेस्ट में आए, कॉमन एरर में आए, सेंटेंस इंप्रूव में आए, वो अपना वहां पर देखना जाके। अब जैसे मान लो सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिया और केवल अंडरलाइन पार्ट को ही करेक्ट करना है, अगर गलत हो तो, अगर मान लो ये गलत है तो इसे सही कर दो। The accident could be avoided if they had applied brakes properly. अब देखो हम लिख रहे हैं if they had applied brakes properly. Perfect form. Perfect form का मतलब हम किसी ऐसी situation के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हो चुकी होगी, हो चुकी है। क्लोज कंडीशन, क्लोज कंडीशन बनाओगे तो मेन क्लोज में क्या लिखोगे, would have, would have के साथ में फर्स्ट थर्ड फॉर्म। अब ये जो हमने बी लिखा नहीं फर्स्ट फॉर्म है और हैव है नहीं, तो हैव लिख दो और ये होगी थर्ड फॉर्म बी। अब हमें यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि अगर हमने बीन ना लिखा होता तो क्या गलत हो जाता, अगर हम बीन नहीं लिखते तो क्या गलत हो जाता, हम इतना लिखते द एक्सीडेंट कुड हैव अवॉइडेड इफ दे हैड अप्लाइड ब्रेक्स प्रॉपर्ली, गलत हो जाता, गलत हो जाता। अब ये ध्यान देना पड़ेगा, अगर हम कुड हैव अवॉइडेड लिख देंगे तो वर्ब एक्टिव फॉर्म में हो जाएगी, अवॉइड का मतलब टालना होता है, जो एक्सीडेंट है वो डूअर नहीं है, तो यहाँ पे वर्ब हमें पैसिव में लिखनी पड़ेगी। तो ये जो बीन का यूज है ना ये और सीखो, इससे पहले वाले सेंटेंस में जो हमने बीन लिखा था वो वर्ब था, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए लिखा गया था। ये जो हम बीन लिख रहे हैं ये भी ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको पैसिव बनाने के लिए लिखा गया। तो अगर कोई सेंटेंस मान लो ऐसा लिख भी दूं, इफ द डॉक्टर हैड बीन टेकन प्रॉपर केयर द पेशेंट Might have saved. अब मान लीजिए मैं सेंटेंस लिख दूं, इफ द डॉक्टर हैड बीन टेकन प्रॉपर केयर द पेशेंट माइट हैव सेव्ड। हाँ अब यहां पे एक चीज, जैसे हमने लिखा हैड बीन टेकन प्रॉपर केयर और इसका सब्जेक्ट बना के हमने लिख दिया डॉक्टर को, डॉक्टर इस वर्ब के लिए डूअर है नॉट डूअर, डूअर है, डूअर है तो वर्ब तो एक्टिव फॉर्म में आएगी, मीन तो गलत लिख दिया क्योंकि सब्जेक्ट डूअर है उस वर्ब का। अब यहां जा रहा हूं, हमने लिखा माइट हैव सेव्ड वर्ब और सब्जेक्ट बना दिया पेशेंट, पेशेंट सेव करेगा कि पेशेंट को सेव किया जाएगा, सेव किया जाएगा, तो हमने देखा जो सब्जेक्ट हमारा है वो डूअर तो है नहीं, डूअर तो कोई और होगा, डॉक्टर होगा, यहां तो वर्ब पैसिव आएगी, पैसिव बनाओगे तो बी की थर्ड फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी बीन। तो केवल ये नहीं कि हमने याद कर लिया इफ के साथ हैड प्लस होगा तो मेन क्लॉज वुड हैव प्लस थर्ड, अरे भैया ये भी तो देखो वर्ब एक्टिव फॉर्म की पैसिव फॉर्म की, जो उस वर्ब के साथ सब्जेक्ट लिख रखा वो डूअर है नॉट डूअर। अब हमें पता है कि पेशेंट जो है वो सेव वर्ब के लिए डूअर नहीं है, डूअर कोई और है,
जब सब्जेक्ट डूअर नहीं कोई और हो तो पर पैसिव फॉर्म में आती है, पैसिव बनाओगे तो बीन लिखना पड़ेगा, वही यहां पर है। यहां पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो हमारा है डॉक्टर, वही टेक केयर वर्क का डूअर है, जब वो डूअर है तो वर्क पैसिव में लिख रहे हो, एक्टिव लिखो। ये सेंटेंस है, करो यू कुड हैव मेट द डायरेक्टर इफ यू वर प्रेजेंट दैट डे, यू कुड हैव मेट द एक्टर इफ यू वर प्रेजेंट दैट डे, अगर तुम उस दिन होते तो एक्टर से मिलते। मान लीजिए किसी कॉलेज में किसी दिन कोई एक्टर आ गया, ठीक है, कुछ बच्चे उस दिन अब्सेंट थे, जब वो आए तो वहां पे उन्होंने बताया गया कि तुम भी मिल सकते अगर तुम आए होते उस दिन। कैसे सही हो गया सेंटेंस, हैड बीन लिखना पड़ेगा, कुड हैव मेट लिख दिया, ठीक है, तो ये क्लोज हो गया। जब ये क्लोज कंडीशन हो गया तो हमें इफ के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, हैड। अब यही बात अगर समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन देखो और देखते हैं। यू वुड हैव गॉट दैट जॉब to work an Englishman, मैंने कहा वो जॉब तुम्हें जरूर मिल गई होती अगर तुम इंग्लिशमैन होते तो। You would have got that job if you were an Englishman. मान लो कोई पर्सन कहीं इंटरव्यू देने गया, उसको जॉब उन लोगों ने नहीं दी, उन्होंने कहा तुम इंडियन हो तो मैं नहीं देंगे, अंग्रेज को ही देंगे। कैसे सही होगा? हाँ, अब ये सही है। अब यहां पे हमें ये समझना है कि जब हमने यहां पर कुड हैव मेट लिखा और यहां पे वुड हैव मेट लिखा तो यहां पे जो वर्ड था उसको हमें हैड भी लिखना पड़ेगा, यहां पे क्यों ना लिखें? यहां पे देखो समझना, जैसे कोई एक पर्सन है वो कॉलेज से किसी एक दिन गायब रहा, आज आ सकता है, कल भी आ सकता है, ठीक है, तो चलो ये उस दिन के लिए इमेजिनेशन था, लेकिन आज के लिए तो रियलिटी हो सकता है, कल के लिए रियलिटी हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन इंग्लिश मैन नहीं है तो वो ना कल था, ना आज हो, ना कल हो पाएगा। तो इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर करोगे ना तो पाओगे इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ये केवल पास्ट का इमेजिनेशन है। हमने कहा कि जब हम इफ के साथ में हैड बीन लिख देते हैं या पास्ट परफेक्ट टेंस लिख देते हैं तो जो वहां पे हमारा अंडरस्टूड मीनिंग होता है वो क्या होता है, बट ही वाज नॉट, भाई हमने कहा यू हैड बीन प्रेजेंट दैट डे, तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं बट यू वर नॉट, लेकिन तुम नहीं थे उस दिन। क्या ये मीनिंग यहां पर अंडरस्टूड हो सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि यू वुड हैव गॉट दैट जॉब इफ यू वर एन इंग्लिश मैन बट यू वर नॉट, कह सकते हैं? नहीं, वो जो इंग्लिश मैन है वो आज भी है, कल भी रहेगा, कल भी था, जो नहीं है वो ना आज है, ना कल था, ना कल होगा। तो हमें पता ही है, जो हम बात कर रहे हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन है जो इमेजिनरी रहेगी हर एक टाइम में, टाइम के चेंज हो जाने से ये रियलिटी नहीं कभी बन जाएगा। अगर तुम्हें याद हो तो हमने टेंस में पढ़ा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और यूनिवर्सल फैक्ट्स और प्रोस को हमेशा उसी टेंस में लिखा जाता है, वजह यह होती है कि उस एक्शन का इफेक्ट नहीं चेंज होता, टाइम के चेंज हो जाने से उसका इफेक्ट नहीं चेंज होता, वो हमेशा इफेक्टिव ही रहता है। तो चूंकि वो हर समय इफेक्टिव रहता है इसलिए हम उसको केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ये भी वैसे ही है, ये जो हमने वर्ड लिखा है ये एक ऐसी इमेजिनेशन है जो पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, तो इसको वर्ड लिखा रहना है, इसको हैड बीन मत लिखना। ये सही हो गया। फिर एक दूसरी सिचुएशन देखो, इफ ही हैड worked hard
दैट टाइम ही वुड नॉट रिपेंट टूडे. हमने लिखा इफ ही हैड वर्कड हार्ड दैट टाइम ही वुडंट रिपेंट टूडे. अगर इसने उस समय मेहनत कर ली होती तो आज ये पछताता नहीं. कैसे सही होगा सेंटेंस? अगर मैं लिख रहा हूं इफ ही हैड वर्कड हार्ड दैट टाइम ही वुडंट रिपेंट टुडे, कैसे सही करूं बताओ? क्या करें? चेंज वही कर देंगे. ही वुड नॉट हैव रिपेंटेड, ही वुड नॉट हैव रिपेंटेड टुडे. ठीक, सही. अब यहां पे देखो एक चीज समझना, जैसे ये टाइम लाइन है हमारी, यहां पे मान लो प्रेजेंट है, पास्ट में कोई पॉइंट है जिसको हमने कंडीशन बना लिया, ठीक है ना, ये पास्ट का पॉइंट है, यहां पे कंडीशन है और ये कंडीशन पूरी की गई और पास्ट में उसका इस पॉइंट पे रिजल्ट आ गया, तो ये हमारी कंडीशन और ये हमारा रिजल्ट दोनों ही पास्ट में हो गए. लेकिन सपोज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंडीशन तो पास्ट में लेकिन रिजल्ट प्रेजेंट में, अब क्या करोगे? पास्ट की कंडीशन है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट में ही रिजल्ट है, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, थर्ड फॉर्म, लेकिन कंडीशन पास्ट की है, रिजल्ट प्रेजेंट में, अब क्या करोगे? दोनों तो पास्ट के नहीं है, दोनों ही पास्ट के होंगे तब ना लिखोगे वो. अगर एक पास्ट का एक प्रेजेंट का, अब क्या करोगे? कंडीशन जो है वो पास्ट की है. हम कह रहे हैं कि अगर उसने तब मेहनत कर ली होती, मान लो आज से एक साल पहले की बात कर रहे हैं, तो वो मेहनत करना नहीं, पास्ट का काम हो गया. लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज ये पछताता नहीं, पछता तो आज रहा है, ये तो इफेक्टिव आज है एक्शन, अब क्या करोगे? तो अब हम ये बनाएंगे, इफ ही हैड वर्कड हार्ड दैट टाइम, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? बट इट डिडंट, लेकिन तब तो उसने मेहनत की नहीं. ही वुडंट रिपेंट टुडे, तो आज नहीं पछताता, बट इट डज, लेकिन अब पछताता भी तरह. तो कई बार हम कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में भी बात कर रहे होते हैं जिनमें से एक पास्ट और एक प्रेजेंट. फिर से मैं याद दिला दूं, रट्टा नहीं मारना, रटने बटने से कुछ नहीं होगा अगर बातें समझ में ना आई हो तो, ठीक है. अल्टीमेटली वो बात समझ में आनी चाहिए कि हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं. अच्छा, हमारे दिमाग में बैठा होता है कि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म लिखी होती है. अच्छा, यहां पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखी होती है इसलिए यहां पर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखे होते हैं. भैया वो वजह नहीं है, वजह दूसरी थी, वजह वो थी जो उस समय तुम्हें समझाई गई थी कि प्रेजेंट का इमेजिनेशन है कि पास्ट की इमेजिनेशन है, रियलिटी है अनरियलिटी है, प्रोबेबल है इम्प्रोबेबल है, कौन से टाइम का है, वो चीजें समझनी है. अब यहाँ पे वो पड़े पड़े कॉन्सेप्ट हमारे आगे सारे फेल होना शुरू हो जाते हैं. हम यहाँ पे देख रहे हैं वुड हैव गॉट लिखा हुआ है, तो कायदे से यहाँ पे हैड बिन होना चाहिए, लेकिन नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता वो सिचुएशन हमेशा के लिए इमेजिनेशन है, केवल पास्ट के लिए नहीं. यहाँ पे हम देख रहे हैं हैड वर्क लिखा हुआ है, यहाँ पे वुड नॉट हैव रिपेंटेड लिखना था, नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता वो प्रेजेंट का इफेक्टिव एक्शन है. एक सेंटेंस देखना, कोई बातें कर रहा है क्या? ये सेंटेंस देखो, वी वुड बी अ डेवलप्ड नेशन टुडे इफ वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1857.
हरिओम। सेंटेंस देखो एक बार और अभी रीजन पूछूंगा कौन सा क्यों सही है और क्यों गलत है, अपने आप दिमाग लगाओ। ये पांचों सेंटेंस लिखो और इन्हें समझो, इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत, क्यों सही क्यों गलत। युद्ध छिड़ गया क्या बाहर ही? देख ले सबने, चलो ठीक है बेटा। जंगली क्या नाम है? आगे बैठे सुझाना, क्या नाम है? हाँ, और कौन जंगली इस क्लास में तुम्हारे अलावा? क्या नाम है? प्रियांश। प्रियांश ये बताओ, सबसे पहला सेंटेंस सही है गलत? अरे अपने रजिस्टर में ही देख ले, रजिस्टर में तो लिख ही रखा होगा। पहला सेंटेंस सही है गलत? हाँ गलत, गुड, बढ़िया। क्या करेंगे सर विजय? वुड हैव बीन, वुड हैव बीन कब लिखा जाता है प्रियांश? वुड हैव बीन क्यों लिख रहे हो ये बता, चलो कब लिखा जाता है वो बाद में देखेंगे, क्यों लिखना चाह रहे हो ये बता दो। क्या पता उधर गॉट है केवल, क्या पता यहाँ पे ये वुड भी सही हो, वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी हो, बट लिखना हो। ये कैसे तुम्हें पता चला कि करेक्शन यहीं पे करना है? मुझे तो लग रहा बाद वाला करेक्शन करना था। बोलो बेटा, क्या सोच के तुमने कह दिया कि वुड नॉट हैव बीन लिखना चाहिए? जल्दी बोलो, ज्यादा टाइम नहीं है, समझे? नहीं पता तो फिर इतना सोच क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को तो बताएगा। प्रोसीड। हाँ ये टेंथ क्वेश्चन क्या करेंगे सही हो जाए? वुड हैव बीन, वुड हैव बीन लिखना सही हो जाए। वुड हैव बीन क्यों लिखें? वुड हैव बीन क्यों लिखें, क्या वजह है लिखने की? सब्जेक्ट डूअर नहीं है, रहने दो अंकल, तुम रहने दो। पड़ोसी भैया नहीं पता, पड़ोसी पास्ट की इमेजिनेशन है, ठीक है गुड। मुझे लग रहा है टुडे लिखा हुआ था, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, तुमने कहा पास्ट की है। हाँ 1857 में फ्रीडम नहीं मिली तो वो पास्ट की इमेजिनेशन है, पास्ट की इमेजिनेशन है तो हेड कोड लिख दिया सही तो है। वुड हैव बीन आ जाएगा, क्या सोच के कह रहे हो कि वुड हैव बीन आएगा? कम से कम इतनी बात सही है कि तुम लोग करेक्शन यहीं पे कर रहे हो, आगे नहीं कर रहे हो।
नहीं तो आधे भोंदू रहते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा वहां पे सेकंड फॉर्म लिख दो, ठीक है। तो खैर वहां पे हमने 1857 लिखा, तो इसका मतलब वो एक्शन जो हम वहां पे लिख रहे हैं वो 1857 का है, तो वो पास्ट का हो गया, तो हमने क्लोज कंडीशन में लिख दिया। अब कहानी क्या है कि वो एक्शन तो पास्ट का है, वो पास्ट की है, लेकिन उसका रिजल्ट तो प्रेजेंट में है। अब रिजल्ट प्रेजेंट में है तो वुड हैव बीन थोड़ी लिख दोगे, जो लिखा हुआ सही है, तो ये सही है। अंडरस्टूड मीनिंग देखो क्या है, वी वुड बी अ डेवलप्ड नेशन टूडे बट वी आर नॉट। अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया, बट वी आर नॉट, लेकिन हम नहीं है, ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन हो गया, डेवलप्ड होते हैं लेकिन नहीं है, ये पास्ट का इमेजिनेशन हो गया, इफ वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1857 बट वी डिडंट, लेकिन हमें नहीं मिली, तो ये पास्ट का इमेजिनेशन है, ये प्रेजेंट का। भैया फिक्स समझ लो, कंडीशन पास्ट में हो तो उसका रिजल्ट कई बार प्रेजेंट में भी आ सकता है, कई बार उसका रिजल्ट पास्ट में ही आ जाता है। जब उसका रिजल्ट पास्ट में आ जाता है तो जो हमारी इफ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहती है, मेन क्लॉज वो भी वुड हैव कुड हैव माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। लेकिन मान लो उसका रिजल्ट अगर प्रेजेंट में आएगा तब क्या करोगे, तब तो नहीं लिखोगे, तब तो वही वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो वही लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये जगह बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11, सही है गलत, गलत है बच्चे। अब लिखा टुक लिखा और यहां पे स्टडे लिखा। अच्छा एक चीज सोचो, अगर मान लो ये सेंटेंस में स्टडे नहीं लिखा तब क्या कहना है, तब तो सही हो सकता है। अगर हम ये स्टडे ना लिखें तब तो हम ये भी मान सकते हैं प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। भाई मान लो हमने किसी आदमी से कहा इफ यू टुक प्रॉपर रेस्ट यू वुडंट बी टायर्ड नाउ, अगर तुम आराम करो तो तुम थके हुए दिखाई ना पड़ो, मान लो आराम नहीं कर रहा, लेकिन जब मैंने ये स्टडे लिख दिया तब तो ये क्लियर ही हो गया सिचुएशन पास्ट की है। अब पास्ट के तो क्लोज कंडीशन बनाओगे, क्लोज कंडीशन बनाओगे तो हेड टेकन आ गया। अब ये कंडीशन पास्ट की है, इसका टाइम निकल गया, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट आवा है प्रेजेंट में, नाउ लिखा हुआ ना, तो ये वुडंट भी सही है, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब बच्चा याद करे बेटर रहता है कि यहाँ पे वर्ड की सेकंड फॉर्म लिखी होगी, यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो हिसाब से तो नो एरर है, लेकिन हमें पता ही नहीं है नो एरर हो, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा इफ यू हैड टेकन प्रॉपर रेस्ट यस्टरडे, अंडरस्टूड नहीं हुआ बट यू डिडंट, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, यू वुडंट बी टायर्ड नाउ, तो तुम अब थके हुए नहीं होते, बट यू आर, बट यू आर। अब यहां आई वुडंट हैव बीन अलाइव इफ ही हैड नॉट सेव्ड मी देन, मैं कह रहा हूं कि मैं जिंदा नहीं होता अगर इसने मुझे बचाना होता। अब एक चीज सोचो, जैसे अगर मैं यहां पर अगर तो सही जाएगा, तो यहां पर नहीं लिखा, क्या पता ये प्रेजेंट का नहीं हो पास्ट का ही हो, क्या पता प्रेजेंट का है, यहां पे स्टार्ट लिखा थोड़ी लिखा स्टार्ट है, अलाइव नहीं बेटा, आई आई स्पीकर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो स्पीकर है, तो मतलब ये बोलने वाला पर्सन है, बोलेगा तो तभी जो वो जिंदा होगा, तो इसका मतलब प्रेजेंट में इफेक्टिव है, प्रेजेंट में वो जिंदा है तभी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का स्टेटमेंट हो गया, वो पास्ट का है, तो जब ये प्रेजेंट पर्सन है वुडंट बी, तो हम लिख देंगे वुडंट बी अलाइव इफ ही हैड नॉट सेव्ड मी। 13 और 14 में से कौन से वाला सही है, कौन से वाला गलत है, 13 और 14 में कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। यू कुड हैव एस्केप्ड इजिली इफ यू वर अ बर्ड, यू कुड एस्केप इजिली इफ यू वर अ बर्ड, 13 सही है कि 14, 14 सही है, 13 मतलब गलत है, कौन बच्चा कह रहा है, हाथ वाथ तो उठा दिया करो कोई, चलो 13 सही कहा था कि 14, 14 सही है, 13 गलत है, इसका मतलब फिर ये क्या करेंगे हमारा 13 भी सही हो जाए, हाँ ना वो बर्ड है ना वो स्केप कर पाएगा, हाँ ठीक है, ये मतलब हुआ ना इसका मतलब, नहीं कर पाया तो सही हुआ कि गलत हुआ, आगे गोलगप्पा है घूम गया,
कर जाता नींबू पानी पियो जाके तो चक्कर से आ रहे हैं। दोनों सही है। देखो अगर ये तो जैसे इसको तो सही मानने में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, यहाँ पे कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी है, यहाँ पे वर्ग सेकंड फॉर्म लिखी है, तो ऐसे सही हो गया। इसको तो गलत कहने के हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम इसको गलत क्यों कहें भाई। सेमी क्लोज कंडीशन है, मेन क्लॉज में वर्ग के सेकंड की पास सब्जेक्टिव मूड लिखा हुआ है, सॉरी इफ क्लॉज में पास सब्जेक्टिव मूड वर्ग की फॉर्म आएगी लिखा हुआ है, मेन क्लॉज में वुड कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी वो भी लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस तो है ही सही। अगर हम गलत मानने की कोई वजह हमारे पास हो तो गलत मानने की वजह हमारे पास इसके लिए हो सकती है कि भाई आपने जब यहाँ पे कुड हैव एस्केप लिख रखा तो इसका मतलब क्लोज कंडीशन हो गया। अगर एक क्लोज कंडीशन हो गया तो इफ क्लॉज में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लिखो, नहीं लिख रखी है तो इसको गलत कहने की कोई वजह हो सकती है, इसको गलत कहने की कोई वजह तो है नहीं, ये तो सही हो गया। अच्छा इसको भी हम गलत नहीं कह पाएंगे क्योंकि अगर हम हेड भी यहाँ पे लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट का इमेजिनेशन। लेकिन क्या इमेजिनेशन केवल पास्ट का ही है, ये तो पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, सब जगह का। तो जो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका इफेक्ट टाइम चेंज होने से नहीं चेंज होता, वो एक पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं और हमेशा उस पर हमें पता है कि वो वर्ब ही सही हुआ। इसका मतलब यहां से समझ लेना कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ यू वर अ बर्ड तो यहां से तुम पता नहीं कर पाओगे कंडीशन कौन से टाइप का है, वो जो टाइप पता चलेगा वो यहां से पता चलेगा कि तुमने लिखा क्या। ऐसे समझ लो जैसे मान लो कोई आदमी है और कहीं पे बंद है, कहीं 2016 में मतलब किसी जेल वगैरह में बंद है। अब ऐसी जगह बंद है वहां से उसका भागने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे किसी ने उससे कहा कि अगर तुम पक्षी होते तो वहां से भाग जाते ऊपर से, मतलब वेंटिलेटर से निकल के भाग जाते उड़ जाते, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन हो गई, ये आ गया। लेकिन मान लो कोई आदमी आज से 2 साल पहले कहीं बेचारा बंद था जेल वगैरह में, नहीं भाग पाया, 2 साल की जेल उसे पूरी करनी पड़ गई। अब हम उससे कह रहे कि अगर तुम वहां पक्षी होते ना तो वहां पे एक वेंटिलेटर था वहां से भाग जाते, नहीं भाग पाया, तो ये हो गया। तो अब ये कंडीशनल क्लोज्ड है कि ओपन है, सेमी क्लोज्ड है, वो यहां से पता चलेगा, वहां से कुछ नहीं बता सकता, वो वर ही लिखना पड़ेगा, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, उसको हम हेड भी नहीं लिख पाएंगे। अगर हमने उसको हेड में लिख दिया तो इसका मतलब ये इमेजिनेशन केवल पास्ट का है, प्रेजेंट या फ्यूचर में वो रियल हो सकता है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर में कहीं भी रियल नहीं हो सकता, वो वर ही लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द विल allow us, we shall stay there longer. मैंने कहा अगर वो हमें अलाउ करेंगे तो वहां थोड़े दिन और रुकेंगे। If they will allow us, we shall stay there longer. अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, हमने टेंस में पढ़ा था कि सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, सबॉर्डिनेट क्लॉज को फ्यूचर में नहीं लिखा जा सकता अगर हमारी मेन क्लॉज भी फ्यूचर की हो। तो हमारा मेन क्लॉज फ्यूचर में, सबॉर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मान लो मैंने कंडीशन नहीं पढ़ाया होता तो टेंस से ही हमें पता चलता है ये गलत है। दूसरा भी हमने कंडीशन में पढ़ लिया, हमने कंडीशन में पढ़ा कि जो हमारी इफ क्लॉज होती है वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट में, तीन ही क्लॉज। ओपन कंडीशन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेमी क्लोज होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, और क्लोज होगा तो पास्ट परफेक्ट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट तो कभी बताया नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि मेन क्लॉज में हमने फ्यूचर लिख रखा है, इसका मतलब हम किसी प्रोबेबल एक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी प्रोबेबल एक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें ओपन कंडीशन बनाना पड़ता है। ओपन कंडीशन में जो इफ क्लॉज होती है वो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, जैसे कि ये तो सिंपल था, इफ क्लॉज या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फिर आपका फ्यूचर, वो फ्यूचर बता रहा हूं, पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे ये अलाउ हो जाएगा। पहले वाला करेक्शन किया, ध्यान देना क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन नहीं है, यही गलती है और यही सही करनी पड़ेगी वो कहीं भी हो। सिक्स्थ इज क्वेश्चन, दे माइट हैव हेल्प्ड यू इफ यू वुड हैव आस्क फॉर हेल्प। मैंने कहा अगर तुम मदद मांगते हो उसे जाके तो वो मदद कर देते तुम्हारी।
अब यहां देखो हमने टेंस में पढ़ा था कि जो इफ है, अनलेस है, एंटिल है, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, उनके साथ में फ्यूचर टेंस नहीं लिखा जाता, विल नहीं लिखते। तो जब इनके साथ विल नहीं लिखते तो वुड भी तो नहीं लिख पाओगे, वो भी गलत। तो जब हमने मेन क्लॉज में माइट हैव हेल्प लिख रखा, इसका मतलब हमारा क्लोज कंडीशन है। अगर एक क्लोज कंडीशन है तो आप पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा, हैड हैज लिखो, तो एक ही बात हो गई, चाहे वैसे सीखो या ऐसे सीखो। If you dash this book, return it to यहां पे तुम्हें रीड वर्ब यूज करनी है। कौन से टेंस में यूज करोगे अपने आप देखो, देखो रीड वर्ब यूज करनी है। रीड प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखोगे, किस में लिखोगे देखो, इसमें क्या लिखो, टू हैव रेड। हैव रेड क्यों लिखा, क्योंकि वो एक्शन कंप्लीशन पे होगा, वो वापस कब करेगा, पढ़ने के बाद में, मतलब हमें कंप्लीशन शो करना पड़ेगा, कंप्लीशन के लिए परफेक्ट टेंस आ गया। Will enjoy it if you read. तो यहां पे ध्यान देना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। प्रेजेंट आएगा लेकिन हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल यहां पे लिख दिया, मान लो कुछ पर्सन है किसी बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं, हम उधर से निकले, हमने कहा भैया अगर बस का इंतजार कर रहे हो तो चले जाओ, आज हड़ताल है, बस नहीं मिलेंगी, टैक्सी वगैरह पकड़े चले जाओ। इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू वुड बेटर टेक अ टैक्सी। अगर बस का इंतजार कर रहे हो तब तो टैक्सी से चले जाओ, टैक्सी का इंतजार करो तो अच्छी अच्छी बात है खड़े। तो ये हमने कॉन्टिन्यूस लिख दिया, मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से एक्शन की स्टेट देख करके वो एक्शन कौन सी स्टेट का होगा उस समय जब यह काम होगा। तो हम अपना भी लिख सकते हैं, इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं, परफेक्ट भी लिख सकते हैं, मतलब नहीं कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है, प्रेजेंट लिखना है, इंडेफिनिट परफेक्ट और कंटीन्यूअस वो पता चलेगा एक्शन की स्टेट से कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो कौन से स्टेट का है, उस समय इफेक्टिव है, प्रोबेबल है, कंप्लीट है, कंप्लीट है तो परफेक्ट, प्रोबेबिलिटी है तो इंडेफिनिट, ठीक है। पढ़ा था ना फ्यूचर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेस करता है, ये वही है। और अगर एक्शन उसी समय इफेक्टिव है जिस समय तुम बात कर रहे हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। चलो फिर कंडीशन अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म तो कल ही होगा, ठीक है, लेकिन आज पढ़ा दिया अपना, अच्छे से रिवाइज करके आओ, कल इसको कंप्लीट